नहीं हरा भरा तो बढ़िया, हरा भरा अच्छा दिख रहा है। पानी का नहीं दिया, नहीं ना उसको पानी के लिए, पानी नहीं रहने की वजह से लोग का ऐसा हुआ है। नहीं तो ये वाला क्या लगाए, ये वाला खेत में? अच्छा जिसको हम कुद्रुम बोलते हैं जो ना, कुद्रुम से। अच्छा लौकी तो हुआ है, लौकी है, लौकी तो बढ़िया हो रहा है, लौकी बहुत अच्छा हो रहा है। उधर भिंडी भी है ना, देखिए अगर कोई खरीदना चाहे तो खरीदिए। तो सुंदर हुआ ही है जो आपका रस चूसक में आ जाता है, पत्ती काटता है इसमें। अच्छा इस ज्यादा लौकी में पाया जाता है, लौकी है जितने भी आपका लौकी बेल वाली फसल उसमें रहता है। अच्छा बेल वाली फसल में रहेगा। और ये जानना है कि जो भी हमारे किसान यहाँ पर हैं, जैसे जो आ रहा है ना, इन किसान से वार्ता करना है कि आप इसमें कौन सा दवा डालते हो आप पूछ लो, ठीक है, उसका कंपेयर करो, तब जा करके क्लियर होगा। हाँ। होगा कि जैसे आप इस खेती कर रहे हो, अच्छा फसल है, आपने मिट्टी का जांच कराया था? नहीं नहीं कराया था, चलिए ठीक है। दूसरी चीज़ है कि मिट्टी के खाद में क्या क्या आपने दिया, तो खाद जब दिया इसमें गोबर पहले दिए थे, ठीक, उसके बाद जब वो निकलने के बाद हाँ उसमें डाई दिया था पहले, डाई डाई दिया, उसके बाद फिर दोबारा में डाई और यूरिया मिला के थोड़ा हल्का हल्का दिया, बस उतना ही दिया, बस और नहीं दिया, और नहीं दिया। तो अभी आप नहीं जानते हैं डाई में क्या क्या मिला हुआ, डाई में क्या क्या मिला हुआ रहता है जो डाई कहलाता है, तो नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है, डाई के विषय में इनको पता नहीं है। मैंने क्या बताया, डाई में यूरिया फास्फोरस का मिश्रण है। दूसरी चीज़ है कि इसने पोटास नहीं डाला, नहीं डाला, तो क्या होगा कि पोटास को हमने क्या बताया कि पोटास में फूल और फलों की संख्या को बढ़ाता है, तो आप अपने समय में क्या होगा उसको चेंज कीजिएगा। यूरिया की मात्रा डबल हो गया, यूरिया नहीं यूरिया डाई की मात्रा डबल हो गया, यूरिया की बार देखिए, यूरिया की बार ना, तो यूरिया में डाई में क्या है कि यूरिया और फॉस्फेट दोनों मिले रहता है ना, तब जाके वो डाई बनता है। तो यहाँ पर देखिए उत्पादन मेहनत सबके साथ में है, ये भी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन तकनीकी ज्ञान नहीं होने की वजह से फूल का ग्रोथ बढ़ रहा है, फूल फल का जो लगता है बढ़ रहा है, क्योंकि उसको यूरिया डबल मिल रहा है ना, बाद में यूरिया के साथ में फिर वो ड्रेसिंग कर रहा है, तो उस समय में जब डाई दिया तो क्या है कि यूरिया के साथ में उसको पोटास का ड्रेसिंग करना चाहिए, इससे क्या होता है कि फूल का और फल का जो संख्या है बढ़ेगा और उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना, यही चीज़ है। और उसके बाद में कीटनाशक का व्यवहार करते हो उसमें? नहीं पहले थोड़ा छोटा छोटा था, उस समय जब जुगनू सब खा रहा था ना, अच्छा अच्छा उसी समय यूज किए थे। अच्छा और उसके बाद तो नहीं किया, उसके बाद नहीं किया। या तो इसके साथ में कोई पोषक तत्व है? नहीं, बोरन का जिंक का वो सब नहीं किया, नहीं हुआ। देखिए यही सब चीज़ है जिनको नहीं पता है, आप लोग अपने क्षेत्र में जाके इसको बताइए लोगों को, बहुत ज़रूरी है। हर कोई किसान मेहनत करता है लेकिन तकनीकी ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या आगे बढ़ नहीं पाता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आप कभी नाइट्रोजन यूरिया फास्फेट और पोटास को मिला के कभी दिया आपने? नहीं दिया, नहीं दिया ना, नहीं। एक बार लगाओगे तो यूरिया फास्फेट पोटास को मिला के लगाओ, ठीक है, या DAP लगाओगे तो फिर बाद में जो ड्रेसिंग करेंगे, जो खोदते हैं हम लोग बाद में मिट्टी पलटी करते हैं, उस समय में क्या कीजिए थोड़ा यूरिया और पोटास को मिला के ड्रेसिंग करोगे, ठीक है, ये हो जाने के बाद में आपका खाद हो गया। लेकिन जब कीड़ा मारने का जो दवा है, कीड़ा जो है उसको जब भी देना होगा, जब 2 पत्ती 3 पत्ती आएगा उस समय से उसका प्रबंधन कीजिए। प्रत्येक 15 दिन में देने से क्या होगा,
कीड़ा का प्रकोप कम है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ये लाल वाला जो भी आप लोग दुगुना सर बहुत ज़्यादा खत्म कर देता है। अगर मान लीजिए बराबर इसके बाद में कोई कीड़ा का प्रयोग देते कीटनाशक प्रयोग करते हो? नहीं नहीं करते हो, है ना, तो ये करना। और क्या क्या लगाए हैं आप? भिंडी लगाए हैं और उधर थोड़ा करेला लगाए हैं। अच्छा आइए भिंडी थोड़ा भिंडी चले आइए आइए। यहाँ पर देख रहा है जो पत्ते का जो रोग है ना, ये साफ दिख रहा है ना, साफ दिख रहा है, इसमें कीट प्रबंधन की जरूरी है। ये ग्रीन वाला कीड़ा, ये देखो ये है ना, ये सब कीड़ा है, निकल गई, गिर गया। ये पत्ता सब में जो है ये सब रोग है, समझे ना, ये आपका रस चूसक जो है ये आता है, और खासकर देखिएगा पत्ती के नीचे में ज्यादा प्रकोप रहता है ना। हाँ पत्ती के नीचे, पत्ती के नीचे में ठंडा है, और किसी को देखना उधर देख लो, कीड़ा है। हाँ तो इस प्रकार से इसका रोग प्रबंधन करना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, बरसात के समय आने से है ना, बरसात के समय आने से जैसे ये हम लोग का भिंडी है, इसका कोई काम नहीं है, नीचे का पत्ती का कोई काम नहीं। ये आपका छोटा ब्रेड में पड़ता है, आपका अभी गर्मी वाला में आपका क्या है कि नीचे से फलता है, जैसे 5 पत्ती आ जाएगा उसके बाद ये फलना है, फलते फलते बढ़ते चल जाएगा, है ना। इसमें भी वही प्रोसेस है आपका, NPK दो या DAP दो। DAP देंगे जब इसको मिट्टी को हम लोग खोदेंगे उस समय में यूरिया और पोटास को मिलाना है ना। उसके बाद जैसे 15 माने जैसे पौधा जब बढ़ जाएगा उसके बाद से 15 दिन में आपको ट्रीटमेंट करना है। तो ये रोग ज़्यादा बढ़ जाने से आपका रस चूसक वाला कीड़ा है ना, ये सब यहाँ चलने से मालूम चलता है, इसको प्रबंध करना, तब जाके पत्ती हरा रहेगा और ये दाग नहीं रहेगा, इससे फल का प्रकोप बढ़ गया अच्छा बढ़ेगा, ठीक है। ये सब हो गया। इसमें खास कर ये भी देखना है जैसे कि ये खुदाई के समय में ये नीचे का पत्ती सबको थोड़ा छाँटते जाना, इसका कोई काम नहीं है, फल खत्म हो गया, इसका क्या काम है? कुछ नहीं, एक अपना एनर्जी ले रहा है ना, तो इसको भी हटा देने से चलेगा, कोई काम नहीं है। ये जैसे फूल बढ़ते चले गया ये आपका फल आएगा, बढ़ते चले जाएगा, है ना। जैसे ये रात में बहुत ज़्यादा कीड़ा परेशान करता है ये वाला सब, है ना, टिड्डा टाइप का छोटा वाला जो है ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जिसके वजह से क्या है कि इसमें अंडे देंगे भिंडी के अंदर कीड़ा जाएगा, और जो कीड़ों का जो जीवन चक्र हमने बताया, ठीक है। इसीलिए किसान का काम है, किसान आप लोग अपने क्षेत्र में जाइएगा तो कम से कम कीट प्रबंध अवश्य बताएं। कीट प्रबंधन बनाने से क्या होगा कि आपका उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, ठीक है, क्लियर हो रहा है? जी सर। ठीक, इसमें क्या क्या दिया आपने? उसमें भी वही सब दिया, पहले गोबर दिए थे जब लगाते समय बीज, चूना का प्रयोग नहीं करते हो? चूना नहीं किए हैं। चूना का प्रयोग करो, जिस समय खेत जब तैयारी करोगे ना उस समय में चूना का प्रयोग करो, उसके बाद में बीज का उपचार करो। बीज का उपचार करने से एक पहले के देहाती स्टाइल में देहात में करोगे तो क्या है कि उसमें गौमूत्र का 1 लीटर गौमूत्र है ना, और उसके बाद में 1 लीटर पानी है ना। चूना जब खेत की तैयारी करोगे तो पहले चूना हल्का हल्का जो गुंडा वाला चूना उसको देते हुए जाओ, उसके दीवार में लगाने वाला चूना। हाँ वही चूना, वही चूना है ना, उसको जो चूना को गुंडा कर लो, गुंडा कर रहे फिर उसके बाद एक लाइन से लगाओ, लगाने के बाद फिर खाद दीजिए, फिर DAP दीजिए। नहीं लगाते समय खाद नहीं दिए थे, कल गोबर ही दिए थे, जब इसको मिट्टी सब पलट कर रहता ना उसी समय खाद दिए। पहले खाद दो क्योंकि बीज पड़ेगा पहले, हमने कल का बताया शुरू में आप लोग ही बोले ना, खाद हम लोग ऊपर देते, जड़ नीचे जा रहा है तो जड़ तो वापस आके ऊपर लेगा नहीं ना। हाँ पहले बेसल डोज नीचे दो, पहले हमने पहले क्या बताया, जच्चा बच्चा को माँ को पहले डोज लगता है, फिर बाद में बच्चा आने के बाद भी डोज लगता है, बच्चे का ट्रीटमेंट होता है 3 महीना 6 महीना साल भर में लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना, इसीलिए पहले मिट्टी में भी मतलब मदर नीचे उसको भी तैयार करना है, फिर पौधा तैयार होगा ट्रीटमेंट, क्लियर हो रहा है? इस प्रकार से हमारा खेत को बनाना है, क्योंकि अभी हम मिट्टी का जहाँ सैंपल लेंगे इसको हम कहीं जाके नहीं लेप करा सकता, इसीलिए क्या है कि अपने से मिट्टी का सुधार करो, ठीक है। चलिए ठीक है, बताइए।
हल्का से हाथ मारो, कीड़ा उड़ रहा है। करेला आ गया ना, गर्मी के समय में छोटा करेला है यही, अगर थोड़ा बरसात में जाएगा तो बड़ा करेला करेला आएगा, जिसको हम लोग मैंने मचान खेती में दे सकते हैं या तो क्रॉस करके भी हम लोग दे सकते हैं, है ना। जैसे आप मचान में नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो मचान में अभी लकड़ी जरूरत होगा ना। यहाँ पर करेला में भी आप जो बेल वाली फसल है ना, बेल वाली फसल में आप जो जब पानी करने में असुविधा हो, लत्तर बेगर फैल रहा है ना, तो अगर आप मचान खेती करते हो तो क्या एक रास्ता मिलेगा, ट्रीटमेंट होगा, फूल आपका लत्तर आपका ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, आपको उपचार करने में सुविधा होगा, है ना। जब भी हम इसको तकनीक को अपनाना है, ये पुरानी विधि रहे हैं, ये अभी इनके पास उतना संपत्ति नहीं है या उतना व्यवस्था नहीं है, इसको भी ज़रा ज्ञान हो जाएगा तो क्या करेगा, जब तकनीकी को बदली कीजिएगा तो आपका उत्पादन क्षमता बढ़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, मिट्टी का सुधार करना है। दूसरी बात है क्या, उसके बाद हमको फिर बीज का उपचार करना है, फिर उसके बाद हमको पौधा तैयार होगा तो फिर 15-15 दिन में हमको स्प्रे करना है। 15 ड्यूटी छोड़ेगा मतलब फिर वही वाला बात होगा, दूसरा जगह नहीं बैठना, ठीक है। चलिए हम तीन कैसे ना आएंगे हमको, सफेद वाला बैगन है, बताइए सर। देख रहे हैं बैगन, हेलो इधर इधर। समय में ट्रीटमेंट नहीं होने से क्या होगा, कीड़ा अंदर जो घुस जाता है ना, पत्ते और ऊपर वाला भाग देखिए इस प्रकार से सूख जाएगा, है ना। तो बैगन में दो तीन कारण जो है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बोलता है कि आपको बर्फ करते हुए नहीं दिखना है ना, और एक समस्या जो है उसके साथ में नहीं जाना है, दो चीज को भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज है कि हम लोग इसमें हमेशा साफ सुथरा, बैगन साफ सुथरा मांगता है, क्योंकि अगर हम तकनीकी पर जाएंगे तो वो फॉलो नहीं करता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वो मानना पड़ता है। इसीलिए बैगन कभी जो है इसको दूरी मेंटेन जरूरी है, दूरी इसका जब तक दूरी नहीं होगा, जैसे कि फैलने से क्या होगा, देखिए आपस में नजदीक आ गया है ना, हाँ इसका खुदाई आप नहीं कर सकेंगे, नीचे का भाग में हमको कोई जरूरी नहीं था पत्ता होना, है ना, इसके वजह से क्या ये सब देखिए बीमारी लग रहा, देखिए है ना, सूखने का प्रकोप बढ़ रहा है, तो ये सबको हमेशा ध्यान देना है। बैगन में खास करके बहुत जरूरी है समय पर इसका प्रबंधन, ठीक है। और कोई भी खेत हो, बगान करते हो या गेहूं लगाते हो, धान लगाते हो, चूना का सुधार कीजिए। उसके बाद में जो भी बेसल डोज है उसका डोज देना है, जो एनर्जी देना है पहले जमीन में, उसके बाद पौधा बीज का उपचार, फिर रोपण, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट, ठीक है। सही समय दवाई पर कुछ ट्रीटमेंट सब बैगन में कीड़ा भी चल, हमको जरूरी है। देखिए आप स्थिति देख रहे हैं, अब देखिए इतना मेहनत मेरा बेकार गया, फसल ठीक नहीं आया, किसान इसे क्या टूट जाता है, बैंक से भी लोन लिया है तो फंस जाएगा, मेरा उत्पादन ठीक नहीं हुआ, आके देखने से क्या होगा। लेकिन इसमें कीट प्रबंधन की बहुत जरूरी है, किसी भी फसल में तब जा करके। और सबसे बड़ी बात है, फिर से बात दोहराएंगे, ड्यूटी इज ड्यूटी, बाकी जो मारेगा नुकसान झेलेगा।
ऐसे कटिंग करके लगाया ना। आने वाला समय में आप क्या कीजिए, इसको कटिंग जब लगाना होगा ना, गोबर को जो खाद है उसको छान लीजिए। छानने के बाद में इसमें क्या कीजिएगा, उसको रखना है चाय वाला कप होता छोटा वाला, उसको रख लीजिए। कटिंग कराने के बाद में उसमें डाल दीजिए, हाँ कटिंग जितना कटिंग है ना, कटिंग के बाद में जब उसमें जड़ आ जाएगा, जब वो कप में जड़ फैल जाएगा तब उसको ऐसे करके निकालिएगा ना, तो पूरा खाद के साथ निकल जाएगा है ना। खाद के साथ निकल जाएगा तो ये पौधा जीवित रहेगा तो क्या, जब इसको ज़मीन में लगेगा तो ये मरेगा नहीं। अभी हमने क्या किया, कटिंग से जड़ आ गया, लेकिन क्या है अभी मिट्टी पकड़ने में समय लग जाएगा, 15 दिन 20 दिन है ना, 20 दिन लग जाएगा, तो फिर इसका ये तो बढ़ेगा नहीं, ये ख़त्म हो गया, फिर नया पत्ती आएगा है ना। कटिंग को पहले तैयार करो, किसमें तैयार करेंगे, चाय वाला कप है या डिस्पोजल गिलास है पानी पीने वाला है ना, उसमें आप गोबर को पीट के छान लो, छानने के उसमें भर दो और कप को नीचे छेदा कर दो। छेदा करने से क्या होगा, जितना पानी ऊपर डालेंगे नीचे भी आ जाएगा, उसको हमेशा नमी बना के रखना, तब ऐसा ना कटिंग लगा के जिंदा कर लो है ना। जिंदा हो जाएगा तो क्या होगा, जब ये जड़ पूरा फैल जाएगा कप में, तब जब रोपने का समय आएगा, जब इसको टानिएगा ना निकालिएगा, तो पूरा गिलास का जितना खाद है सब एक साथ आ जाएगा। जब इसमें आ जाएगा तो क्या होगा, जीवित रहेगा, और जब मिट्टी में जाएगा तो ये ठीक है। ये आपका गलत लगाने का तरीका है, क्योंकि जड़ टूटता है, जड़ टूटने से क्या होगा, फिर इसको पकड़ने में समय लगता है, तब तक नहीं ये मर जाता है, ये मर जाता है, ये जिंदा होगा तो फिर नए आएगा, तो कम से कम 1 महीना का सफ़र आपको टाल लेगा है ना। ये गलती हो गया, ठीक है सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए हो गया, अरे